अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ही मैं चली गई शॉपिंग पे। पहले पीटीएम मैंने अटेंड की बेटे की, फिर उसके बाद मैंने कहा चलें जी थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ जी सबसे पहले हम आ गए इंजन पे। इंजन पे मेरे हस्बैंड को कुछ ट्राउज़र और टी शर्ट्स जो है ना वो अच्छी लगी, डिस्काउंट भी लगा हुआ था, तो हमने कहा चलें ले लेते हैं। और अब जो है ना सूरत हाल ये है कि अब मतलब रश बिल्कुल भी नहीं है ब्रांड्स पे ना, तो क्योंकि अब विंटर का सब वेट कर रहे हैं कि चले विंटर के कपड़े लेंगे। तो मेरे भी हस्बैंड कह रहे थे कि ले लें आप भी बच्चों के लिए, मैंने कहा नहीं नहीं अब विंटर आ रहा है तो विंटर ही लेंगे। अब ये जो है ना मैं बस चक्कर लगाती फिर रही हूँ बच्चों के पीछे। जब आप बच्चों को साथ ले जाना तो बस फिर आपका तबाहियाँ उड़ जाती हैं, तबाहियाँ। फिर जी बाटा पे चले गए, तो बाटा से लेनी थी वॉशरूम में ना शूज़ रखने के लिए, कोई इस तरह की हो जिसमें से पानी निकलता रहे, ठीक है ना, नहीं तो अजीब सी हो जाती हैं। तो लेकिन कोई ख़ास नहीं मिली, वैसे डिस्काउंट भी लगा हुआ था लेकिन स्लीपर कोई अच्छे नहीं लगे, ठीक है। इसके बाद ब्रेकआउट पे आके ब्रेकआउट पे भी देखी, एक जो है ना अच्छा लगा था, ट्राउज़र शर्ट सेम थी हस्बैंड को, लेकिन वो उनमें साइज़ नहीं मिला। तो फिर हम वहाँ से भी निकल आए, तो अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं देखा। और उसके बाद आउटफिटर पे गए, वहाँ मैंने क्लिप भी नहीं बनाया, तो लेकिन वहाँ कुछ किसी चीज़ पर डिस्काउंट था ही नहीं, मैं कहा निकलो जी इतना ही। तो फिर वहाँ से भी निकल आए। ये जी आगे BTW पे, तो यहाँ से भी कोई जीन पसंद नहीं आई, तो और भी कोई चीज़ पसंद नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो जी जाओ अभी, अब कारफोर में जाओ सीधे, जिस काम के लिए आए ना वही काम कर लो। तो यहाँ जी एप्पल बड़े अच्छे प्यारे खूबसूरत से नज़र आ गए और रिजनेबल रेट था, मैंने कहा चलें जी एप्पल ही लेते हैं सबसे पहले। जी हमने एप्पल लिए यहाँ से और बस फिर अच्छे अच्छे जो है ना निकाल के डाले। तो इस टाइम के वैसे एप्पल बड़े मज़े के लगते हैं कि जूसी बड़े होते हैं ये वाले एप्पल, मुझे बड़े ये वाले एप्पल पसंद हैं। वो जो ज़्यादा रेड होते हैं ना वो अंदर से जैसे स्पंज की तरह निकलते हैं, और कुछ ग्रीन कलर के होते हैं वो खट्टे बहुत होते हैं, लेकिन ये वाले एप्पल बड़े प्यारे मज़े के होते हैं। तो मैं डाल रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते ये नहीं सही डाल रही, ये नहीं सही डाल रही तुम। मैंने कहा घर जाके जो भी ना सड़ा सुड़ा निकला ना वो मेरा ही नाम लगना है कि मैंने डाला। डाल वो खुद भी रहे थे, मैं कहा जो भी ख़राब निकला ना मेरा ही नाम लगना है कि वो वाला पीस मैंने ही डाला। मैं उनके साथ ही ये भी कह रही थी, तो वो मुझे कह रहे थे कि या तो मोबाइल पकड़ लो या तुम ना एप्पल कर लो। तो मैंने कहा अच्छा मैंने एक खास ही डालने हैं, तो ये हम बहस कर रहे थे आपस में। अच्छा जी यहाँ पर मैं जो नई सेक्शन पर आ गई, यहाँ से मुझे चीज़ भी चाहिए था, क्रीम चीज़ भी चाहिए, तो वहाँ ये कुछ स्मॉल पैकिंग थी, मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए थी। तो फिर वो कह रही थी कि बस फिर उसका वेट भी कर रही थी कि आ जाए तो फिर मैं जाऊँ, तो लेकिन चलें वो आ गई। तो फिर ये इधर बच्चों को साथ ले जाना तो बच्चे काबू नहीं आते, उनकी एक अपनी ही होती है कि इधर जाना इधर जाना इधर जाना, ठीक है। अब ये उनको था कि हमने नहीं यहाँ तो टॉयज़ वाले सेक्शन पे जाना होता है, यहाँ स्टेशनरी वाले सेक्शन में उन्होंने पहुँचना होता है। तो यहाँ पहुँच गए, यहाँ किसी ने पेन लेना है, किसी ने कलरिंग बुक लेनी है, किसी ने ग्लू लेनी है, और बस ऐसे करते कराते ना, तो बस पढ़ते लिखते मैंने कहा तुम लोग हो नहीं तो स्टेशनरी की चीज़ों के तुम लोग में चाहिए चाहिए। अच्छा जी ऑलमोस्ट यहाँ से कुछ शर्ट ली, सॉक्सेस ली और काफ़ी लिया, सारा मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, तो अब घर जाके आपको डिटेल में जो है ना वो दिखाऊंगी। या मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई तो वो कॉल सुन रहे हैं और हम खड़े हैं। ये जी मैंने कहा अपने शशके शशके मार लें, ज़रा दिखा दें कि क्या पहना था, क्या मास्क लगाया। तो ये मैं खड़ी हूँ और बस इसको जब पेमेंट क्लियर किया तो बस फटाफट खोली और सामान चढ़ा ली होती, बड़ी प्यास लगती है। हालांकि इतनी अच्छी जगह होती है, कोई गर्मी शर्मी तो नहीं होती, लेकिन प्यास भी लगी होती है। आप इतना खुद लो ना, अभी तो ये ग्रोसरी पूरी थी भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेन चीज़ें जो थी ना भी हफ्ता पहले ही इसमें करके आए थे। तो यहाँ जी मैं अब ना ये जो निशात की बाजियाँ खड़ी थी, मैंने कहा चलो उनके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, बेचारी नाराज़ ना हो जाए। अब जी हम घर आ गए हैं, तो बस फिर मैं चेंज करूँगी और मुझे बड़ी था कि मैं अब चाय बना के पी लूँ, ठीक है ना। ये ड्रेस मैं पहन के गई थी, ईजन ड्रॉप का था 3 पीस, तो ये वाला मैंने पहना हुआ था, ठीक है। अब जी घर आ गए हैं, बहुत ही थक जाते हैं ऐसी ग्रोसरी करने टाइम ना, तो मैं बहुत सारी थी जो मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा था मैं भी जाऊँगी ना। ये मेरा था भी पीनट बटर मिल जाइए थे, वैसे मैं अमेरिकन वाला जो होता है ना ब्रांड वो वाला यूज़ करती हूँ, वो मुझे नहीं मिला, वो था लेकिन वो क्रीमी था, बट मुझे क्रंची चाहिए था, ठीक है। और जैसे ये क्रीम चीज़ मुझे चाहिए थी, इसके लिए भी मैं गई थी, और एक दो और चीज़ें थी। तो चले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ ना। ये जी दालें हैं, सही है, ये जो दालें हैं बड़ी साफ़ सुथरी थी, वैसे कम ही मैं इस तरह लेती हूँ, मतलब एक तो जगह अच्छी मिलती है तो मेरे हस्बैंड वहीं से लाते, लेकिन यह बहुत साफ़ सुथरी थी। समटाइम ना नीचे पाउडर सा बना हुआ होता है तो वो सही नहीं होता, तो मुझे बहुत ही साफ़ लगी थी कारफोर की ना। आज ये देखें कितनी साफ दाल है, ये मूंग की दाल ली थी और काले मच्छर ख़त्म हुए हुए थे।
अच्छा जी, ये एक मैं लेके आई हूँ, काफ़ी अर्से के बाद लेकर आई हूँ, उठा के लाई हूँ मैं। ये मैं वैसे सेवैया नहीं बनाऊँगी, इसको कस्टर्ड में ना डाल के बड़ी मज़े की बनती हैं, ठीक है। ये जी हमारी दालों का आइटम हो गया, और ये जाते ही इस पर थोड़ी सी प्रमोशन लगी हुई थी तो थोड़ी सी ख़त्म होने वाली भी थी भी, फिर मैंने ये ले ली साथ, सिरके की भी बॉटल मिल गई। तो सिरका और केचप जो है वो जितने हों उतने ही कम है आपके किचन में, ठीक है। अच्छा सनसिल का ये नया पैक आया था गिनेस, इसमें मुझे कंडीशनर नहीं मिला, मुझे था अच्छा मुझे मेरी कोशिश होती है कि जौन सा मैं शैम्पू यूज़ करूँ ना साथ ही कंडीशनर यूज़ करूँ, बट मुझे कंडीशनर नहीं मिला। फिर जो है ना मैंने कौन सा लिया, अच्छा कंडीशनर मैं लाई हूँ लेकिन वो नहीं नज़र नहीं आ रहा था मेरा कंडीशनर। चल अभी ये फिर मैं ये वाला ले आई हूँ, ये मैं पहले भी यूज़ करती हूँ और डव का, तो फिर मैंने ये उठा लिया, ठीक है। ये मेरा शैम्पू हो गया, और ये जी मुझे नज़र आया था पिंक नमक, तो ये वैसे पैकेट में भी था, और थोड़ा से जो पीसीज होते हैं ना जिसे आप इस तरह के पॉट में डालें जो क्रश करते हैं वो वाले भी थे, और ये इस तरह ही था, तो ये इसी तरह के मिला है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसा है, ठीक है जी। ये मेरी चीज़ हो गई, ये पीनट बटर हो गया, और ये है जी ड्रेसिंग है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, आप कहीं किसी पे भी मतलब अपने सैंडविचेस या उस पर क्या कहते हैं ब्रेड वगैरह स्लाइसेस पे लगा ले, ठीक है। ये एक जी बॉडी स्प्रे है, ये मेरे बेटे ने अपने लिए ली है, ठीक है जी, अच्छी स्मेल थी। और ये कॉटन बॉल्स हैं, फेस के लिए नहीं ली मैंने, ये मैंने वैसे के लिए ली हैं, नेल्स के लिए ली हैं, ठीक है जी। एक ये कॉम, ये सिंपल कॉम है, ये बैक कॉमिंग के लिए बेस्ट है। और ये जी दो हेयर कलर लिए थे तो उसके साथ में ये पड़े हुए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं वो इसकी भी पेमेंट लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक दफ़ा लिया था तो मुझे उन्होंने ये फ्री में दिया था, एप्लीकेटर भी था और ये बाउल भी थे। तो जब मैंने उनसे लड़कों से पूछा तो जो खड़े होते हैं सेल्समैन, तो उन्होंने कहा जी एप्लीकेटर फिनिश हुए हैं तो ये बाउल हैं, तो मैंने कहा फिर दे दें। तो मेरा बेटा कहता है मम्मा आपने क्या करना है, मैंने कहा मुझे फ्री में मिल रही है तो क्यों छोड़ूँ मैं। और ये जी टी बैग लिए हैं, इसका भी एक अलग ही फंडा है जी, मैं चाय पीती हूँ स्ट्रॉन्ग और उसमें चीनी कम होती है, बट मेरे हस्बैंड कहते हैं जी मतलब हल्का सा कलर हो और चीनी तेज़ हो, मतलब ऑपोजिट। तो फिर मैं उसका हल ये निकाला है कि मैं उसको गर्म दूध करके उसमें चीनी तीनों ने पीनी होती वो डालती हूँ, टी पैक रख देती हूँ, टी पैक रख देती हूँ, अपनी मैं वही स्ट्रॉन्ग वाली और बहुत कम शुगर वाली पीती हूँ। तो आप लोगों के घर में भी ये मसला ना, तो ये वाला इसका हल है कि उनको टी पैक ला के दें। और ये जी बॉडी स्प्रेस लिए हैं, कोई इतनी ख़ास नहीं थी वहाँ, तो फिर मैंने कहा चलें यही ले लेते हैं, जितनी हो उतनी कम है। और ये आलमंड ऑयल लिया है, ठीक है जी। ये एक लिया है, मेरा बड़े वाला ख़त्म हो गया था तो मैं सोच रही थी कि मुझे वो मिल जाता ना पाउच में, इसमें डाल लेती लेकिन ये पाउच नहीं था, फिर मैंने छोटा ले लिया। वो बड़ा बहुत अरसे महीने, दो तीन महीने तक पड़ा था ना, तो अजीब सी स्मेल उसके ऑयल में से आने लग जाती। ये जी जैम लिया, ये एक मोट लिया उसके, ठीक है जी। एप्पल ले लिया, एप्पल बहुत अच्छे थे, एप्पल ले लिए। ये मैदा ले लिया, ये टू शेड हैं, ये मेरे हस्बैंड ने लिया डार्क ब्राउन, मैंने ये वाला लिया है इस दफ़ा चॉकलेट 6.34। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन करने से ना आपके अगर एक दो ग्रे हेयर हैं भी कवरेज भी हो जाती है, जिससे बालों में बड़ी शाइन आ जाती है। ये जी एक लिया है मैक्रोनी जेली के, दो लिए हैं स्ट्रॉबेरी एंड बनाना, और ये सोप ठीक हो गया जी। अच्छा जी अब बच्चे साथ जाएं तो बच्चे अपनी चीज़ें कैसे नहीं लेके आए, ये लेके आएंगे, लाजमी लेकर आते हैं, बड़े ईज के दीवाने हैं अभी। एक ये कोकोमो, मैंने कहा भी था कि नहीं लेके जाओ, आधे कोकोमो तो खाली निकलते हैं, बट नहीं। एक ये लिए है वेफर, वेफर मुझे बहुत पसंद है भाई, मुझे वेफर मुझे सुपर इतने पसंद नहीं है, मैंने वैसे ये उठाया था। एक ये अच्छा लगता है, एक मुझे प्रिंस अच्छा लगता है, ठीक है सुपर, मेरे हस्बैंड को पसंद है, और वेफर बच्चों को मुझे भी पसंद है, कोकोमो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये वेफर के दो ले लिए इन्होंने, अच्छा जी मुझे पता ही नहीं चला, सही हो गया। अच्छा जी अच्छा ये मैंने ली दो किस्म के चॉकलेट्स लिए हैं, इसमें ना 2 kg का एक स्लैब था, बच्चे मेरे बड़ा जोर लगा रहे थे कि माँ वो ले लें वो ले लें वो ले लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर 1 kg का भी था, फिर इस पर बहस करने लगे जी, वो एक कह रहा था डार्क लें, एक कह रहा था कि मिल्की लें, और आखिर मेरे पास अभी मेरी फ्रिज में एक स्लैब पड़ा भी हुआ है, वो भी आई थिंक 1 kg का था, उसमें से एक दफ़ा यूज़ किए मैंने, ब्राउनी बनाई है बाकी वो पड़ा हुआ, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा चले इसका किस्सा ये करते हैं, लड़ाई ख़त्म करते हैं कि हम ये छोटे छोटे ले जाते हैं, अगर हमें इन दोनों का टेस्ट चेक करेंगे हमें जौन सा अच्छा लगेगा ना, तो फिर हम उसका जो है ना 1 kg या 2 kg का स्लैब मंगवा लेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों में से ट्राई करूँ, मुझे वैसे ये वाली लेनी थी लेकिन मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि नहीं मिल्की लें, मैंने कहा चले दोनों को हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है।
जोन सी अच्छी लगी ना, उसका हम स्लैब ले लेंगे 2 kg या 1 kg का, ब्राउनी में, केक में, या किसी भी चीज़ पे आप चॉकलेट को, मतलब कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये लिया, एक ये स्लाइस लिए, केजी सैंडविचेस। तो इन चीज़ों के लिए वैसे मैं ज़्यादा गई थी, मुझे ये चाहिए था, ख़त्म था, ये जो है चाहिए था, ये चाहिए था, और एक टोटेला ब्रेड चाहिए थी, रोटी जो थी वो नहीं मिली मुझे। ओके जी, हस्बैंड ने जो है ये अपनी कुछ चीज़ें ली, केस लिया, ये लिया, ये लिया, ये सब कुछ लिया, और कुछ सॉक्सेस अच्छी थी, चले मैंने कहा कि सर्दियाँ आ रही हैं तो ये मेरी और मेरे बेटे की एक ही साइज़ है, कुछ वो ले लेगा, कुछ मैं ले लूँगी। ये शर्ट्स हैं, ये मेरे बच्चों की सॉक्सेस के 3 पे, ये हस्बैंड के हैं, तो ये ब्लू स्कूल के लिए ले ली, मैंने कहा चले सॉक्सेस आके सॉक्स ही पहनी जानी है पूरी सर्दियाँ। अच्छा ये, अच्छा मुझे ना क्रॉकरी बड़ी मतलब कपड़ों, जूतों, मेकअप के बाद ना क्रॉकरी, किचन की आइटम और ये फ्राइंग पैन देश के बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, मैं ये बड़ी अच्छी लगती हैं। मैम ये छोटा सा लाई हूँ, किस लिए लाई हूँ, इसमें मैं अंडे फ्राई करूँगी। मेरे बच्चे वो हंस रहे थे कि अम्मा अंडे फ्राई करने के लिए लग, मैं कहा हाँ इसमें थोड़ा सा ऑयल होगा तो फिर मैं इसी में ना एक एक एग फ्राई करके दिया करूँगी, ऑमलेट बनाया करूँगी, उसके लिए ले आई हूँ छोटा सा। और एक ये लिया है मैंने, मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, पैन लिया है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कहा आपके जो होते हैं वो पैनकेक और पराठे और रोटी भी बना सकते हैं, यानी बेसिकली पराठे, पैनकेक, कबाब, उनके लिए मैंने कहा जिसमें आप शैलो फ्राई करना होती है ना चीज़, उनके लिए बेस्ट है। आई थिंक 1500 समथिंग का ये है, या 1400 समथिंग का था, और ये जो 650 का था, और एक इससे थोड़ा सा छोटा था वो था 550 का, मतलब थोड़ा सा ही था कम, तो फिर मैंने ये थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, कितने हैं इसका साइज़ नहीं मुझे पता अब क्या है, ठीक है ना, तो ये साइज़ ठीक है, तो छोटा भी था फिर मैंने कहा वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है जी, उफ, ये थी भी शॉपिंग जो की है। और अच्छा एक और चीज़ मैंने ली है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, लाइमलाइट पे मैं गई थी, वैसे किसी भी ब्रांड पे रश नहीं है, क्योंकि अब लोगों को शायद समझ नहीं आ रही कि लेना क्या है, गर्मियों की जितनी शॉपिंग थी सारी दुनिया कर चुकी है, अब सर्दियों का कुछ भी तक आया नहीं है तो कन्फ्यूज़ है ना, तो कोई रश नहीं था इतना। ग्रोसरी वाली जगहों पे तो था लेकिन ब्रांड्स पे कोई इतना रश नहीं था। तो ये मेरी बेटी ने एक लाइमलाइट्स लिया, मैंने कहा चलो ले लो, मैं भी लगाऊंगी, तुम भी लगाएंगे, दोनों मिलजुल के लगा लेंगे। एक ये मैंने ली है आई लॉक्सेल जो भी है, ये मैंने एक आई क्रीम ली है, और ठीक है ना, डार्क सर्कल और पफी आईज़ में अपने हस्बैंड से गई थी, मैं आपकी आईज़ पे ट्राई करूँगी पूरा हफ्ता, अगर कुछ फ़र्क लगा तो वाकई भी मैं इसका रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि उनकी थोड़ी सी पफी आईज़ होती हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि इस तरह अलग चीज़ों के लगाने से थोड़ी ठीक होता है, वो तो इंटरनल इशूज़ होते हैं आपके कोई जाती है, तो मैंने कहा नहीं फिर भी थोड़ा सा देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेट सी, इसको भी मैं यूज़ करना स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ। ये बस लाइमलाइट से लिया, और ये इंजन से मेरे हस्बैंड की सारी शॉपिंग ये पी के बॉटल जो है ना, ये भी मतलब ली थी, ये फिर पी ली थी, ठीक है, जूसेस वगैरह लिए थे वो भी पी लिए, उन्होंने पी किंटॉल वगैरह लिए, पूरे बच्चों से सबर नहीं थे। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट्स और ट्राउज़र है, इंजन से उन्होंने लिए हैं, डिस्काउंट से मिल गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये थी जी शॉपिंग, सारा दिन लग गया और मैं बहुत थक गई हूँ, आके आते ही मैंने चाय शाय बनाई और पी है। और चलें जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ढेरों ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।